सब अपराधी नेता बन गया है, जमीन माफिया जितना है सब सब पार्टी का नेता बनल है। सैया भेल कोतवाल तो हम डर के सब ही सब हो जाएंगे नेता सबके। उसमें पप्पू यादव को कहा लो बतियाते हैं, हमको जिस दिन मौका मिलेगा मेरी कलम का, हम इन लोगों की ताकत को मिटा के सबसे आम आदमी को राजा बनाएंगे। कि आप जब 25 को आ रहे हैं यहाँ मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे गंदे वीडियो, ऐसे दुष्ट और प्रेत आत्मा वीडियो जो यहाँ लूटने के लिए सिर्फ बैठा है, इनको हटा करके आएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। देखिए, पूर्णिया में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बड़ी रैली हुई है, लेकिन उससे पहले पप्पू यादव वहां पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बड़ा हमला किया है। दरअसल पूर्णिया के वीडियो के खिलाफ जो धरना चल रहा है, पप्पू यादव उस धरना में शामिल होने गए थे और इस दौरान उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए, जिस दिन मौका मिलेगा इन लोगों की ताकत को मिटा देंगे और आम जनता का राज लाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में जितने भी माफिया हैं, जितने भी अपराधी हैं, वो सारे के सारे नेता बने बैठे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पदाधिकारी, ये चारों के हम दुश्मन हैं, इसको आप समझ लें, इसमें कोई बहस नहीं है, क्लियर है। हमको जिस दिन मौका मिलेगा मेरी कलम का, हम इन लोगों की ताकत को मिटा के सबसे आम आदमी को राजा बनाएंगे। जो मेरा सपना 80-81 में था, उसके अलावे आज तक नहीं रुका, इसलिए इनके सम्मान के साथ हम खड़े हैं। इनकी बात हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे किसी भी कीमत पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब 25 को आ रहे हैं यहाँ मुख्यमंत्री जी, तो ऐसे गंदे वीडियो, ऐसे दुष्ट और प्रेत आत्मा वीडियो जो यहाँ लूटने के लिए सिर्फ बैठा है, इनको हटा करके आएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब भैया तो समझ में नहीं आता है, दारू रू छोड़िए, अब तो बगल में नेपाल है, गांजा है, कोरेक्स है, और सर क्राइम भी बढ़ रही है सर, और प्रशासन की सर इसमें लापरवाही देखी जा रही है। सुनिए ना मेरी बात, क्राइम तो क्या पहले हम इसके पहले 40 मर्डर में डेली नहीं आते थे? जी जी जी। दो दिन पहले दो बच्ची के बलात्कार में हम रात जी, में जी, गए जी, हम और फकर टोली में सर। हम और गए, रुपौली गए, दोनों को 15,000 रुपया मदद किए ना। जी जी। आप सवाल उठता है, इसके पहले हम नहीं आते थे मर्डर में? जी आते थे। अभी मर्डर में है? नहीं सर, पहले भी। भैया दिक्कत क्या है, इसको आप खाली सरकार को गाली मत दीजिए जी। दिक्कत क्या है कि सिंडिकेट चलाते हैं, थाना से लेके DSP, बालू का, जमीन का, शराब जी, गांजा का, ड्रग्स का, स्मैक्स का, कोरेक्स का, अब 500 से 5,000 सिंडिकेट वो चलाता है, नेता का भड़का, नेता का पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है। गांजा और कोरेक्स कहाँ से आता है? कौन नेता इन्वॉल्व नहीं है, जिसका पैसा इन्वॉल्व नहीं है, रिश्तेदार का नहीं है? अपराधी के द्वारा जमीन कब्जा करवाते हैं, सब अपराधी नेता बन गया है, जमीन माफिया जितना है सब सब पार्टी का नेता बनल है। दोस्तों हम क्या करेंगे भाई, जब सब पार्टी का जमीने माफिया सब बनल है नेता, सैया भेल कोतवाल तो हम डर के सब ही सब हो जाएंगे नेता सबके। उसमें पप्पू यादव को कहा लो बतियाते हैं, समय आने दीजिए, उससे पूछिएगा, मैं रात के 12 बजे औकात बताऊंगा, चिंता नहीं। तो सुना आपने, पप्पू यादव काफी गुस्से में थे और यहाँ के वीडियो जो है, हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जलालगढ़ प्रखंड के वीडियो, कुमार विशाल के खिलाफ भूख हड़ताल जो चल रही है, उसमें पप्पू यादव शामिल होने पहुंचे थे और साफ तौर पर कहा कि ये जो राक्षस रूप में वीडियो बैठे हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे वीडियो पर एक्शन लेना चाहिए और इन्हीं वीडियो के खिलाफ वहां धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल चल रहा है। देखिए, पप्पू यादव ने कई सारी बड़ी बातें कही है, ये भी कह दिया है कि हम जिस दिन मौका मिलेगा, और जब हम सांसद थे तो आप लोगों ने देखा क्या कि कोई भी अपराधी, कोई भी इस तरह करने वाला व्यक्ति इधर उधर कर लेता था क्या? उन्होंने याद दिलाई और बताया कि शासन और प्रशासन को कैसे चलाया जाता है, और साफ ही साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस दिन मौका मिलेगा हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और एक बड़ा हमला जो पप्पू यादव ने किया है वो ये कि बिहार में जितने भी माफिया हैं और जितने भी अपराधी हैं वो नेता बन गए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।